subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट जॉब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2020 और 14 जनवरी 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा साथ ही हम लोग 12 और 13 जनवरी का भी करेंट अफेयर्स देखेंगे। नेट प्रॉब्लम के कारण हम 13 जनवरी का करेंट अफेयर्स नहीं लोड कर पाए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। विश्व की दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम सम्मेलन का पहला चरण ढाका बांग्लादेश में 10 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। इस सम्मेलन को विश्व इज्तिमा कहा जाता है। यह सम्मेलन 12 जनवरी को समाप्त होगा। यह सम्मेलन 1967 से ढाका के पास टोंगी में तुराग नदी के तट पर आयोजित किया जा रहा है। इसका दूसरा संस्करण 17 से 19 जनवरी 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएई में। यूएई में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत की गई। अबूधाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र शिखर सम्मेलन में लगभग 17 देश भाग ले रहे हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 के फोरम कार्यक्रम और प्रदर्शन में 5 डोमेन्स पर आयोजित होंगे, जिनमें स्मार्ट सिटीज, पानी, अपशिष्ट ऊर्जा और सौर जैसे नाम शामिल है। इसका आयोजन का उपयोग एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाना है। इसका थीम है रिथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 79। ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे हाल के अरब शासकों के बीच सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट थे। कबूस ने 1970 से ओमान का शासन संभाला था और वे अल सईद की सभा के 8वें सुल्तान थे। उनकी आधिकारिक जीवनी के अनुसार उनका जन्म 18 नवंबर 1940 को दक्षिणी ओमान में हुआ था। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओमान का सुल्तान किसे चुना गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैथम बिन सईद। हैथम बिन सईद को हाल ही में ओमान का सुल्तान चुना गया है। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन के बाद राज्य परिवार के उनके चचेरे भाई हैथम बिन सईद को ओमान का सुल्तान चुना गया है। ओमान के संविधान के मुताबिक सुल्तान का पद 3 दिन से ज़्यादा खाली नहीं रहता है। अगर 3 दिन के अंदर राज्य परिवार किसी को नहीं चुन पाता है तो पूर्व सुल्तान की पसंद के शख्स को सुल्तान बनाया जाता है, जिसका नाम पहले से ही लिफाफे में रखकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई की पॉली उमरीगर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई की पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विश्व के नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की थी।
दूसरी ओर लेग स्पिनर पूनम यादव को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान कृष्णाचार्य श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को महिलाओं के लिए कर्नल सिक्के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी प्रभावशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 84। हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी 2020 में भारत की रैंक 2 स्थान गिरकर 84वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में 190 के स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण कोरिया और जर्मनी 189 के स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। डिस्क्रिप्शन में रैंकिंग का वीडियो है, उसे जरूर देख ले। हर क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा 1984 में घोषित किया गया था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ की स्थापना की और उन्होंने 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, विश्व अस्थमा दिवस और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहां आरंभ हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आरंभ किया गया। यह 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह त्यौहार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य सरकार द्वारा किया गया है। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय है फिट यूथ इंडिया 2BA, फिट इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत है। भारत सरकार 1975 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी में आयोजित 3रे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक के साथ शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गुवाहाटी में आयोजित 3रे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे आगे है। महाराष्ट्र 7 स्वर्ण, 7 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 25 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 6 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली 4 स्वर्ण और 1 रजत के साथ तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण 10 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में शुरू हुआ था। कुल 20 खेलों में 6500 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा। जो हैदराबाद विंग्स इंडिया 2020 हैदराबाद हवाई अड्डे पर 12 से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रानी रामपाल। भारत की महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 25 खेलों से इस पुरस्कार के लिए 25 एथलीटों की सिफारिश उनके अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला T20 विश्व कप 2020 में भारत के 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हरमप्रीत कौर। हरमप्रीत कौर को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2020 में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत 21 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाले टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। स्मृति मांगना टीम की विकेट कीपर है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के गांधीनगर में शुरू की गई भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आश्वत। भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आश्वत को गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। आश्वत के साथ साथ दो अन्य परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है, एक विश्वास, दूसरा नेत्रंगा। आश्वत परियोजना साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगी। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। विश्वास के फुल फॉर्म की बात करें तो विश्वास का फुल फॉर्म होता है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। विश्वास को ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंट्रोल वीडियो एनालिटिक्स की मदद से क्राइम डिटेक्शन और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन और वीडियो इंसेटिक्स की मदद से लॉन्च किया गया है। जबकि दूसरी ओर नेत्रंगा राज्य के 33 जिलों में कमान और कंट्रोल रूमों में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होनी है या भारतीय जनगणना होगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 16वीं। भारतीय जनगणना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी व 16वीं जनगणना होगी। पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो के तहत शुरू किया गया था, जो 1881 में पूरा हुआ था। भारत की जनगणना 2021 1 अप्रैल से शुरू होनी है और 30 सितंबर को समाप्त होगी। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस बार कलम और कागज से दूर होगा जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले प्रश्न का उत्तर मिस्ड इन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए आयुषी ढोलकिया। आयुषी ढोलकिया ने मिस्ड इन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न, किस राज्य में अम्मावोडी योजना शुरू की गई? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए। धन्यवाद।